कथा वाचक थे, कथा करने आए थे, लेकिन कथा भी पूरा नहीं हुआ जितना चाहिए, उतना समय नहीं दिए। देखे पूजा पाठ देखे अपना, हम लोग के तो अच्छा लगा। तो बाबा एक को व्यवस्था कराए हैं, भर दिन आदमी टटात रहे, रात के 9 बजे से भोजन मिलता था, यही कोई जग है। हमारा तो अनुभव बहुत अच्छा रहा, यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। जो रहा तुम ठीक रहो, अब का कहे के बा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा का पटना दरबार समाप्त हो चुका है। नौबतपुर इलाका ये है, पटना से करीब 20 किलोमीटर दूर, और यहीं पर जो है आयोजन हुआ था दरबार का, जहां पर हजारों लोग शामिल हुए थे। उसके बाद आप देखिए कि यहां पर क्या हालात हैं, हजारों नारियल जो हैं वो यहां पर जो भक्तों ने चढ़ाए थे मौजूद है, दिए जल रहे हैं, ये नई मूर्ति बनी थी, और उसके बाद आराधना का एक नया स्थल जो है वो यहां तैयार हो चुका है। कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि बीते 5 दिन कैसे रहे। राजनीतिक तौर पर भले ही उठापटक हुई, बयानबाजी हुई, लेकिन कुल मिलाकर बात करें तो जिस तरह की आशंका थी कि एक तरह का कन्फ्लिक्ट हो सकता है बागेश्वर बाबा के समर्थकों और राजनीतिक तौर पर विरोध कर रहे लोगों के बीच में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और ये जो आयोजन था कुल मिलाकर शांतिपूर्वक समाप्त हो चुका है। कई स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनको क्या अनुभव रहा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जैसे कुछ भाई मिल गए हैं, कहीं दूर दूर से लोग आए थे, वो लोग बहुत हेल्प किए कि बाबा से मिला दें, मगर फिर भी बाबा से हम लोग मिल नहीं पाए। और ये परसों के डेट में बहुत रोने के बाद लेडीज पुलिस थी, वो हमको मार उर भी दी, और यहाँ पे थोड़ा कट उट भी गया, और बाहर मतलब निकाल के, मतलब बाहर जैसे फेंक दिया जाता है उस तरह फेंक भी दी हमको, और उसके बाद भी बहुत प्रयास करने के बाद बाबा से नहीं मिल पाए। फिर कल के डेट में ये खो गई थी, ये हमसे बिछड़ गई थी, उसके बाद बहुत ढूंढ रहे थे, उसके बाद गए कहें वो लोग कहें बैठो अभी भीड़ ख़त्म होगा तो हम लोग ढूंढेंगे, ऐसे करते करते बहुत देर तक परेशान होने के बाद फिर ये मिली हमको। कथा वाचक थे, कथा करने आए थे, लेकिन कथा भी पूरा नहीं हुआ जितना चाहिए, उतना समय नहीं दिए, ये बात है। और साधु संत से उनको कोई चेष्टा नहीं था, उत्साह नहीं था, नहीं तो मंच पर बुलाते, सम्मान भी करते। बाबा का कोई दोष नहीं इसमें, बाबा जैसिया इसमें ही महात्मा जी का दोष है। क्या दिक्कत क्या हो रही थी? नहीं सोने का जगह ना दोष का है ना, बाबा जो गो पंडाल चला देतन, इतना लाख आदमी जुटल है, सगरो व्यवस्था करा देतन भोजन के लिए, तब ना व्यवस्था हो जाते। तो बाबा एक को व्यवस्था कराए हैं, भर दिन आदमी टटात रहे, रात के 9 बजे से भोजन मिलता था, यही कोई जग है। हम लोग जग जिंदगी भर से करते हैं 30-40 बरस से, ऐसा जग हम कहूँ नहीं देखे हैं बेटा। इतना पैसा लगा के आए, 5 पैसा नहीं कोई अथी हुआ, कितना भाड़ा लगा के आए, परेशानी बहुत हुआ बेटा। और सब जग में आदमी जाते हैं तो नाश्ता है, पानी है, बोल भाल भोग है, मैंने व्यवस्था बहुत रहता है। और यहाँ तो कुछ आदमी जुट गए बाबा इतना ने बेटा कि मैंने 200 लाख आदमी जुट गए। साधु संतों का ख्याल नहीं रखा गया? कुछ नहीं बेटा, कोई इज्जत नहीं बेटा, कोई इज्जत नहीं जनला ना। आप लोग रहते बेटा तो हम लोग की इज्जत करते कि हम दे बाल, लेकिन मिलता है, लेकिन इस जगह नहीं कुछ मिला है, कुछ ना। बहुत अच्छा लगा, इतना भीड़ था कि पहला बार ऐसा हुआ है, और पहला बार ही जय जयकार हुआ राम जी का। हमारा तो अनुभव बहुत अच्छा रहा, यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, और डेली 4 से 5 लाख यहाँ पर आदमी आते रहते थे, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छा काम किया था कि इतना व्यक्ति को होने के बाद भी अपना सभी अच्छा से काम कर रहे हैं। जो रहल तुम ठीक रहो, अब का कहे के बा, जो ठीक बा। आप बताइए, आपका घर यहीं है आसपास में? हमको घर पिपलावा तरफ है, पिपलावा तरफ है। बागेश्वर बाबा का यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ था कैसा रहा, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा लगा, देखने में बहुत अच्छा लगा। हम लोग अच्छे थे तो ना, हम लोग आए वहाँ उतना दूर से, हम लोग के तो नहीं अंदाजा था, हम लोग के अंदाजा नहीं था, बाकी बाबा के महिमा था, यहाँ बाबा पहुँच गए। आप बताइए कि आपने क्या बदला हुआ देखा अपने गाँव में? हम लोग तो बहुत दूर के आदमी हैं, देखे अच्छा लगा, हम लोग आए तो देखे बाबा के नाम सुन के आए, उतना दूर से देखे पूजा पाठ देखे अपना, हम लोग के तो अच्छा लगा, इतिया हाँ प्रवचन पूजा पाठ तो हम लोग के अच्छा लगा। इतना भारी तो ये इधर हम देखे नहीं किए हैं कि जग हुआ है, हाँ ये जग हम लोग के लिए बहुत अच्छा है।